अगर आप भी YouTube वीडियोस को बड़े मज़े से देखते थे, वो भी बिना किसी एड्स के और बैकग्राउंड में प्ले करके लॉक करके प्ले करा करते थे, मतलब समझ लो YouTube के सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज़ करते थे, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि आई नो कि आप एक ही ऐप का यूज़ कर रहे होंगे, वो है यूट्यूब बेंच। गाइज, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, यूट्यूब बेंच एक यूट्यूब ओरिजिनल ऐप का एक मॉडिफाइड ऐप है, जिसमें सारे एड्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं, यानी आप बिना किसी एड्स के वीडियोज़ देख पाते हैं, और YouTube के सारे वो प्रीमियम फीचर उसमें होते हैं जो कि एक नॉर्मल YouTube ऐप में नहीं होते, और इसे आप सिंपली फ्री में भी डाउनलोड करके आप ऐसे प्रीमियम फीचर्स का मज़े उठा सकते थे। लेकिन एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है कि YouTube बेंच्ड ऐप अब जल्दी बंद होने वाले हैं। वेल, इसके पीछे सिंपल सा एक ही रीज़न है कि Google ने फोर्स कर रहे हैं कि YouTube बेंच्ड को जल्द ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें कुछ लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो पॉलिसीज को वायलेट करती है। अब गाइज, आप भी जानते हैं कि YouTube प्रीमियम को लेने के लिए 179 पर मंथ का एक प्लान आता है, लेकिन गाइज ऐसे सारे प्लान्स को ब्रीच करते हुए, वो भी एंड्रॉयड यूजर्स को फ्री में YouTube बेंच्ड ऐप दे करके, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। अब इस वजह से गाइज YouTube तो बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि कैसे इस ऐप को जैसे बंद किया जाए, और काफ़ी कोशिशें करी भी गई हैं पास्ट में, लेकिन इस बार फाइनली लीगल एक्शन ले लिया गया है, YouTube बेंच्ड ऐप को एक नोटिस दे दिया गया है कि उसे जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा। वेल, अब क्या इसका मतलब यह है कि YouTube बेंच्ड ऐप अब हमें आगे चल के देखने को नहीं मिलने वाला, या ये मतलब है कि आप जो ऐप रखे हुए हैं वो सारे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो YouTube बेंच्ड वालों ने साफ साफ कहा हुआ है ट्वीट करके कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, लाइक आप अगर अभी भी YouTube बेंच्ड ऐप अपने फ़ोन पर रखे हुए हैं और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो लगभग करीब 2 साल तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो डाउनलोड लिंक है और जहाँ जहाँ ये एप्लीकेशन अवेलेबल है वो सारे अब बंद कर लिए जाएंगे, सारे लिंक्स टेक डाउन कर लिए जाएंगे, और समझ लीजिए जिसका मतलब है कि जो नए यूज़र्स हैं वो YouTube बेंच्ड ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप बेटर यही होगा कि आप अनइंस्टॉल ना ही करें, और अगर गलती से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा इसे दोबारा से यूज़ करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे आगे चल के, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप YouTube प्रीमियम का प्लान लेंगे या फिर आप वही पुराने एड्स देख देख कर ही अपना काम चला लेंगे। वेल, अगर ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इन सभी के बारे में, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।